गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम अरमान सर। हमारा चैनल है रियल मैथ बाई अरमान सर। इसमें हमने आपको बताया था कि मैथ से संबंधित जानकारी आपको हम देंगे इसके अंदर। तो आपको हम मैथ की बेसिक, जितनी भी बेसिक होती है उसको हम चैप्टर वाइज समझाने की कोशिश आपको कर रहे हैं। तो जिसमें से हमने आपको चैप्टर 1.1 पढ़ा दिए हैं, 1.2 पढ़ा दिए हैं। 1.1 में हम नंबर्स का ऐड करना सिखाए हैं आपको। 1/2 में आपको हमने सिखाया है एक्स वाई वाला ऐड करना सिखाया है। वेरिएबल का, चर का आपका हमने जोड़ घटाना आपको सिखाया है। अब आपको हम सिखाने जा रहे हैं 1.3, इसमें आपको हम गुणा करना सिखाएंगे। देखिए कैसे सीखते हैं। इसमें देख लीजिए, अगर आपको मालूम है 2/3 है, इंटू 5/7 है, इंटू माइनस 7/3 है, 5/4 है। ये हमारा देखिए फ्रैक्शन में है, इसमें हमारा फ्रैक्शन है मगर मल्टीप्लाई में भी है। फ्रैक्शन में है, ये हमारा किसमें है, मल्टीप्लाई में भी है। तो बच्चे सोचते हैं ये क्रॉस का साइन लगा है तो यहाँ क्रॉस से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ऐसा नहीं किया जाता। क्रॉस का अगर साइन लगा है तो क्रॉस से मल्टीप्लिकेशन नहीं करते हैं। इसमें सिंपल सा होता है, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में। तो इसमें आपको देखना है प्लस कितने हैं, माइनस कितने हैं। पहले प्लस अब भूल जाइए, केवल माइनस काउंट कर लीजिए। कितने माइनस दिख रहे हैं, 2/3 है, 5/7 है, इंटू माइनस 7/3 है, इंटू 5/4 है। तो इसमें आपका माइनस हमारा क्या है, ओनली वन है ना, तो इक्वल लगाएंगे यहाँ पास, माइनस लिख देंगे केवल हम इसमें अंदर। तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग केवल 2 × 5 × 7 × 5 / 3 × 7 × 3 × 7 × 3 × 4। ठीक है, तो आपका हमने मल्टीप्लाई के फॉर्म में केवल लिख दिया। अंश का गुणा अंश में और हर का गुणा हर में। गुणा ना कीजिए, केवल गुणे के रूप में आप इसको केवल लिख दीजिए। अब देखिए इसको काटना आना चाहिए आपको, इसमें स्मॉलेस्ट फॉर्म में करना आना चाहिए। इसमें से क्या करना पड़ेगा आपको, पहले जो आपका जिस नंबर से ऊपर काटेंगे उसी नंबर से नीचे काटें। नियम हमारा ये होता है, जैसे 2 से काटें, 2 × 1 = 2 कट रहा है कि नहीं, 2 × 1 = 2 कट रहा है। तो वैसे ही आपका 2 से नीचे भी कटे हमारा, वैसे हमारा 2 से नीचे भी कटे। तो देखिए यहाँ से 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4 कट रहा है कि नहीं, तो काट सकते हैं यहाँ से 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4 कट गए यहाँ पास। और देखिए कोई नंबर कट सकता है हमारा, ये 5 × 1 = 5 तो कट रहा है, तो 5 हमारा नीचे किसी से कट रहा है, नहीं कट रहा है ना। 7 देखिए, 7 × 1 = 7 हो रहा है और नीचे 7 × 1 = 7, तो 7 × 7 क्या हो गया, काट दीजिए। अब इक्वल लगा के जो बचा उसको उतार लीजिए। यहाँ कितना है, 5 है, माइनस का साइन माइनस लगाए रहेंगे, माइनस लगा रहा है हमारा, 5 × 5 / 3 × 3 × 2। किसी नंबर से कटेगा ये हमारा, नहीं कटेगा ना हमारा। तो देखिए क्या होगा यहाँ से, फिर इक्वल लगाइए, माइनस एक हमारा माइनस था तो माइनस लेके हम चलते रहेंगे माइनस को। 5 का मल्टीप्लाई 5 में, 5 × 5 = 25। यहाँ मल्टीप्लाई करना है 3 का 3 में, 3 × 3 = 9। अब 9 आया तो 9 का मल्टीप्लाई 2 में, 3 × 2 = 9, 9 × 2 = 18। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, समझ आ रहा कि नहीं। शॉर्ट स्क्रीन देखिए लेते चलिए, हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन लीजिए आप, केवल इसमें आपको केवल मल्टीप्लाई दे रहे हैं अब, बिना आपका केवल आपको हम मल्टीप्लाई देख रहे हैं। आपको पहले ऐड करना सिखाया हमने, सिंपल ऐड करना, फ्रैक्शन में ऐड करना, एक्स वाई में ऐड करना सिखाया है। अब आपको हम मल्टीप्लाई करना सिखाएंगे, फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करना आपको हम, एक्स वाई में मल्टीप्लाई करना वो भी सिखाएंगे आपको। ठीक है, तो हमारा चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ते रहेंगे तभी आपको मैथ पूरी आ पाएगी। मैथ में जितनी भी बेसिक है आपको अच्छे से आ जाएगी। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, -14/16 × 18/-21 × 24/16 × 7/27। क्लियर।
अब देखिए आपको ख्याल रखना है, पहले माइनस काउंट करना, सब मल्टीप्लाई में है कि नहीं, सारा आपका फ्रैक्शन तो सारा भिन्न है, मगर इसमें आपका क्या है, सब चीज मल्टीप्लाई में है कि नहीं, तो कोई बात नहीं, अब जिस तरह हमने किया इसको उसी तरह इसको भी करेंगे हम लोग। तो इसके लिए पहले माइनस इक्वल लगाएंगे, माइनस काउंट करेंगे, कितना माइनस आपको दिख रहा है, एक माइनस यहाँ है और एक माइनस यहाँ है, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। अब हमको माइनस का साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ देखिए हम आपको हमने बताया कि अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में, तो यहाँ अंश लिखेंगे 14 × 18 × 24 × 7 अपॉन लगा देंगे, 16 × 21 × 16 × 27 क्लियर। अब देखिए जिस नंबर से ऊपर काटेंगे उसी नंबर से नीचे, स्मॉलेस्ट नंबर से काटा जाता है हमारा सबसे पहले, यहाँ 2 से काटिए, 2 × 7 = 14, 2 × 8 = 16, यहाँ देखिए 2 से कट रहा है 3 से, ये 3 कट जाएगा, 3 × 6 = 18, 3 × 7 = 21, ज़्यादा एक बार में नहीं काटना हमको, 1 by 1 हम उसको उतारते चलेंगे, हम एक बार में काट लेंगे आपका बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर गंदगी हो जाएगी, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं हम लोग यहाँ से, 7 × 6 × 24 × 7 अपॉन 8 × 7 × 16 × 27। अब देखिए किससे कटेगा, ये 7 से 7 कैंसिल, यहाँ देखिए 8 × 1 = 8, 8 × 3 = 24, दो बार हमने काटा है, बाकी उतार लीजिए, फिर इक्वल लगाएंगे ऐसे यहाँ से हमारा क्या, 6 × 3 × 7 अपॉन 16 × 27, 3 से कटेगा ना, 3×9 = 27 होता है कि नहीं, तो 3×1 = 3, 3×9 = 27, फिर उतार लीजिए इसको, 6 × 7 × 16 × 9, 3 से हमारा कटेगा ना, ये चीज़ देखिए, 3×2 = 6, 3×3 = 9, 3×2 = 6, 3×3 = 9, तो 2×7 अपॉन 16×3। अब देखिए क्या कटेगा हमारा, ये 2 से कट जाएगा, 2×1 = 2, 2×8 = 16, जितना कटते जाएगा उसको पारी पारी आप करते चले जाइए, ठीक है। अब क्या बचेगा हमारा, ऊपर 7 बचा, नीचे क्या बचा, 8×3, ठीक है, तो फिर इक्वल लगाइए 7 × 7, 8×3 = कितना आएगा, 24। ये देखिए हमारा आंसर आ गया डिजाइन में, आ गया कि नहीं। तो आपको हमने देखिए एकदम सिंपल सताया हमने, जब भी फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई अगर आपको करना है तो अंश का गुणा अंश में कीजिए और हर का गुणा हर में, गुणे के रूप में लिखिए, गुणा ना कीजिए, चलो गुणे के रूप में हमको लिखना है, गुणा करना नहीं है, ठीक है। फिर जिस नंबर से ऊपर काटिए उसी नंबर से नीचे पारी पार आप काटते चले जाइए, ठीक है। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, आप लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए आप, और कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों, कमेंट करेंगे हमारा, चाहे आपको अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, जितना भी आपका अच्छा लगे कमेंट, वो कमेंट हमको जरूर दीजिए आप, इससे हमको पता चलेगा कि आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है। थैंक यू दोस्तों।